यस। तो बच्चों ये हेडिंग लिखते हैं हम लोग, आयोपिक नेम की हम लोग बात कर रहे थे। ऐसे बच्चों पॉलिनेशन कंपाउंड जिनके पास कॉम्प्लेक्स कैटाइन प्रेजेंट है बेटा, और जिनके पास कॉम्प्लेक्स एनाइन प्रेजेंट। ठीक है, इसको देखो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सिंपल एक टू डिफरेंट मेथड से बताऊंगा, आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कैटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन के साथ हम लोग नॉर्मल क्लेचर कैसे करेंगे। तो इसके कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। रूल फर्स्ट, फर्स्ट रूल के अंदर बच्चों हम बात करेंगे कि एक तरफ हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बच्चों जो हमारे डी ब्लॉक के सेंट्रल एलिमेंट्स होंगे और उनका जो लैटिन नेम होगा। ठीक है, लैटिन नेम, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले हम समझते हैं फिर बात करते हैं। तो जैसे बच्चों हम बात करते हैं कॉपर, तो कॉपर का लैटिन नेम बच्चों क्या होता है, क्या होता है सभी लोग बताओ, क्यूप्रम। इसी तरीके से अगर आयरन के साथ बात करते हैं तो इसका लैटिन नेम क्या होता है, फिरम, FERRUM। ठीक है, फिरम। इसी तरीके से बच्चों अगर हम गोल्ड के साथ बात करते हैं तो इसका होता है ऑरम, AURUM। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करते हैं मरकरी की तरफ तो मरकरी का होता है बच्चों हाइड्रेट जिरम, स्पेलिंग इज HYDRAGYRUM। ठीक है, हाइड्रेट जिरम, इट इज डिफाइंड फॉर मरकरी। इसी तरीके से जो कुछ कॉमन है हम उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे बच्चों कि हमारा जो टारगेट है नीट का वो कवर हो जाए। ठीक है, यस। तो मरकरी के बाद बच्चों हम बात करेंगे सिल्वर की तरफ, तो सिल्वर का बच्चों होता है अर्जेंटम। ठीक है, ARGENTUM। ठीक है, अर्जेंटम। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ लेड, PB, तो PB का बच्चों होता है प्लम्बम, PLUBUM। ठीक है, प्लम्बम। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं बात करता हूँ लास्ट में आपका SN, तो SN का आपका है स्टेनम, STANN। ठीक है, दिस इज डबल एन, लास्ट में आपको यू है, STANNUM, स्टेनम। ठीक है, ये इसका आपका यहाँ पे नाम है। तो कुछ लैटिन नेम मैंने बताए। इसके बाद सेकंड बच्चों हम सेकंड रूल्स की बात करेंगे कि एक तरफ हम लिखेंगे बच्चों सेंट्रल मेटल एटम या बच्चों सेंट्रल मेटल आयन, और इसके साथ इधर लिखा बच्चों मेरे कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ स्पेसिफाइड हमारे एलिमेंट्स हैं उनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स है। अगर वो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो वहां पे वो इतना ऑक्सीडेशन नंबर को होल्ड करेंगे, चार्ज को। तो देखो बच्चों कोऑर्डिनेशन, देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि पॉजिटिव नंबर का इंक्रीज होना। ठीक है, देखो चार्ज, चार्ज कुछ भी नहीं है, चार्ज एक्चुअली में एक सिंबॉलिक टर्म है। अब वो डेवलप कैसे होता है, सब कुछ कहानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना। अगर कोई स्पेसी इलेक्ट्रॉन्स को देती है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स को देती है तो पॉजिटिव लेगी तो बच्चों नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा किसी भी स्पीसीज पे तो इसका मतलब वहां पे जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट विल डोमिनेंट। बात समझो, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट करेगा, और न्यूक्लियर चार्ज अगर बच्चों डोमिनेंट करेगा तो उस केस में वो जो एटम होगा, वो जो कैटनिक स्पीसीज होगी, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट, जितना ज्यादा बच्चों नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत जबरदस्त होने वाला है, जिसकी वजह से वहां पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा न्यूक्लियस, बिकॉज बच्चों न्यूक्लियस ही अट्रैक्टिव फोर्स को डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे, है ना, किसी भी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। मुझे बताओ कोई एटम बाहर घूम रहा है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब 2 to 3 सेंटीमीटर, और कोई एक एटम मैंने आपको दे रखा है, इट मे बी कैटाइन एनाइन, और सिंपल आपका एटम है, न्यूट्रल एटम है, मैंने आपको दिया, तो मुझे बताओ मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स कौन करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन कौन करेगा बताओ, अच्छे से कौन कर सकता है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन वही कर सकता है जिसके पास जेड इफेक्टिव की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तभी तो बोलते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, अरे होती है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एफिनिटी आपका एक्सेप्टेंस है ना। तो इस बात को समझने की कोशिश करना कि जब भी मैं बात करता हूँ यहाँ पे चार्ज को लेके, तो पॉजिटिव चार्ज को लेके हम जनरली बात करते हैं, बिकॉज दीज यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है
ये बच्चों आपके क्या है, मेटल ही तो है, और मेटल की बच्चों प्रॉपर्टी क्या होती है, कभी आपने देखा कि आयरन आपका -2 के साथ रिप्रेजेंट किया जाए? बताओ मुझे भाई, मेटल तो कभी इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, वो तो डोनेट करेंगे, उनका प्रॉपर्टी बेटा वही है। तो इसका मतलब है कि इनके पास जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज, और आई थिंक हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के ऊपर बात करी थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, है ना, जब ऑफलाइन सेशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब बच्चों सिर्फ इतना समझना कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ चुकी है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस एटम के न्यूक्लियस के द्वारा। पूरी बात समझ में आ गई, ठीक। अब सुनना, अगर बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो यहाँ बच्चों जो सिल्वर होगा उसके ऊपर चार्ज आएगा +1, प्लीज ध्यान से समझना। अगर बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 3 या फिर 4 होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस केस में मरकरी पे चार्ज होगा बच्चों +2। अगर बच्चों मैं बोलता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, आपके आसपास डायरेक्टली कनेक्टेड, या बच्चों में बोलूंगी कोई भी सेंट्रल मेटल एटम उसके ऊपर चार्ज है N+, ठीक है, इसके साथ कितने आपकी लिगेंड डायरेक्टली अटैच है, वो नंबर बच्चों बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। डेंटिसिटी अलग है, डेंटिसिटी मतलब कैपेसिटी होती है, डेंटिसिटी इज दी कैपेसिटी, और कौन सी कैपेसिटी कि भाई वो जो सामने आपको सेंट्रल मेटल एटम है आयन है उसके साथ वो कितने तरीके से कितने टाइप से बॉन्ड बना रहा है उसको बोलते हैं डेंटिसिटी, ठीक है। डेंटिसिटी इज क्लियर, पढ़ा हम लोगों ने मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ये सारे पढ़े हैं, जब दो डोनर साइड्स होती है बाइडेंटेड, 3 तो ट्राई, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। डेंटिसिटी का मतलब अलग है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब अलग है, दोनों टर्म का मतलब अलग अलग है। अब सुनना, एक चीज को समझेंगे ध्यान से, तो अगर बच्चों 4 कोऑर्डिनेशन, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं 4 को लेकर, तो 4 वाले कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कैटाइन्स हैं, जैसे बच्चों जिंक है ना Zn+2, जैसे कॉपर +2, यहाँ पे निकल +2, यहाँ पे प्लेटिनम +2 एंड आपका पैरेडियम +2, प्लीज ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्लीज बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे अगर आपका कोई गिवन कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ध्यान दो बच्चों, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिससे बच्चों यहाँ पे अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मिलता है, एग्जांपल दूंगा, बेटर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। राजी, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब ये है कि जैसे सेंट्रल मेटल एटम M है, ठीक है, इसके साथ कोई लिगेंड अटैच है बेटा L इज ए लिगेंड, ठीक है, बात समझा ध्यान से, इसके साथ बाहर इधर कुछ भी लगा है, इधर कुछ भी लगा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर, करेक्ट है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, कितने रिच स्पीसीज प्रेजेंट है, कितने लिविस बेस प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं लिगेंड, तो वो लिगेंड इस मेटल से अटैच है। अगर बच्चों लिगेंड यहाँ पे 5 होंगे, अगर 5 लिखा जाएगा तो मतलब इसे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बोला जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, जो नंबर यहाँ पे लिखे जाएंगे दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी एग्जांपल देंगे तो हम रिवर्स समझ, अभी हिट एंड ट्रायल से भी बताएंगे, अभी इस तरीके से समझ लो, यहाँ सुनो ध्यान से, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो आपको ध्यान देना है कि जिंक, और जनरली क्या होता है बच्चों, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखे हैं ना, हमें हमेशा सर्च करना होता है मोस्ट स्टेबल स्टेट, क्या सर्च करना होता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट, ठीक है। अब मोस्ट स्टेबल स्टेट के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आना चाहिए, तो जिस पर्टिकुलर डी ब्लॉक एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल स्टेट, हर जगह ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बता के रखी है, ठीक है, हर जगह बताइए, हर एलिमेंट के बारे में बताइए डीएनएफ ब्लॉक के, तो जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वही बच्चों मैक्सिमम गिवन कंपाउंड के अंदर देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट टोटली रिलेटेड विद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सब कुछ रिलेट करो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से रिलेट करती है, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है कि जो सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल मेटल एटम है, आयन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों मैच कर चुका है एक सेम पीरियड के आपके नोबल गैस या इनर्ट गैस की तरह मैच कर गया है, तो डेफिनेटली वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को होल्ड करेगा, वो जो जो भी चार्ज दिखाई देगा कैटायन के ऊपर, ठीक है। ये चारों समझ में आ गए, जल्दी से देख लो, है ना, और अगर आपको एग्जाम्पल देंगे तो और समझ में आ जाएगा, ध्यान दो। नेक्स्ट बच्चों है कोऑर्डिनेशन नंबर 5, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 अगर आपको दिख रहा है तो आयरन बच्चों दिखाई देगा 0 की स्टेट में, इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर दिख रहा है तो
उस केस में बच्चों आयरन प्लस टू में हो सकता है, ठीक है, Fe आपका प्लस थ्री में हो सकता है, नेक्स्ट इज क्रोमियम प्लस थ्री एंड कोबाल्ट प्लस थ्री एंड क्रोमियम आपका जीरो। ध्यान दो, ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन नंबर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है यहाँ तक। इसी तरीके से अगर बच्चों हम बात करते हैं सीवन कोऑर्डिनेशन नंबर है तो यहाँ पे आपको MO प्लस फोर आपको दिखाई देगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों एट है, कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं और जिन पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर है जिनको मैंने यहाँ पे किया है एक्सप्लेन, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस बिल्कुल। तो एग्जाम्पल लें, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। यस फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे क्रोमियम, नाउ दिस इज अमोनिया सिक्स, इसके साथ बच्चों प्रेजेंट है आपका CO कोबाल्ट, और ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग साइनाइड सिक्स। ध्यान दो, आपको मैं बता चुका हूँ पहले कि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ही है। आपको पता है कि जब भी हम कंपाउंड लिखते हैं मैं क्या लिखता हूँ, आयोपेक लिखता है, ठीक है, आयोपेक से बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि जब कोई भी हम कंपाउंड लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले कौन आता है, कैटायन, बाद में कौन आता है, एनायन, है ना, जनरली इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है। यस, जो नेचर का रूल्स है, और नेचर का रूल्स क्या है, जो आयोपेक का रूल्स है वही हम फॉलो कर रहे हैं, पहले कैटायन फिर एनायन, सॉल्ट का मतलब यही। तो यहाँ बच्चों देखो ध्यान से, हम अगर ऐसे कंपाउंड मिलते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन एक साथ लिखे मिलते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि फर्स्ट वाला हमारा क्या हो, एनायन या कैटायन। तो फर्स्ट वाला हमारा होगा बच्चों कैटायन और सेकेंड वाला हमारा होगा एनायन, बस इतनी सी बात है। चार्ज क्या होगा, तो चार्ज के बारे में बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, मैं लिख लेता हूँ जरा, क्रोमियम एन NH3 6, इसके ऊपर चार्ज लिया मैंने प्लस एक्स, मुझे नहीं पता कितना आएगा। ये एनायन है बच्चों तो लिख सकते हो वाट एन आपका यहाँ पे साइनाइड होल सिक्स और आपका चार्जेस माइनस एक्स, ठीक है, ये कैटाइन हो गया और ये एनायन हो गया। बताओ सोच के जरा, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले क्रोमियम, यहाँ पे क्रोमियम कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना है, सिक्स, आपकी लिगेंड अटैच है फिर सिक्स में लिख सकता हूँ। यहाँ पे कोबाल्ट का बच्चों क्या है, सिक्स है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। ओके, अब आते हैं चार्ज की तरफ। तो चार्ज अभी मैंने आपको डिस्कस किया था ना टेबल के साथ, बताओ जरा। यस, क्रोमियम सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स पे जरा पहुंचो सीधा। सिक्स पे जब पहुंच रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो आपका क्रोमियम है वो आपका या तो प्लस थ्री में दिखाई देगा या फिर आपका क्रोमियम जीरो में दिखाई देगा, दोनों बातें एक साथ लिखो, प्लस थ्री में दिखाई देगा या जीरो में दिखाई देगा, ठीक। अब कोबाल्ट की तरफ आ जाओ, कोबाल्ट का मैंने सिक्स बोला था, तो सिक्स जब बोला था तो कॉलोनी में सिक्स पे जरा पहुंचो, और कोबाल्ट वहां पे क्या मिलेगा बच्चों, प्लस थ्री के साथ मिलेगा, चेक करो जल्दी से किसके साथ मिलेगा, प्लस थ्री के साथ मिलेगा, देख लिया सभी ने, चलो अब बताओ आंसर। यस, तो मुझे यहाँ पे ये बताओ कि इधर सीआर जीरो है और आपका थ्री है, कोई भी कंपाउंड कोई भी सॉल्ट इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है, आपको पता है कोई भी कंपाउंड कोई भी सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जीरो मान लोगे, सीआर के पास जीरो चार्ज, तो क्या मैं उसको इस तरीके से रिलेट कर पाऊंगा कि भाई सामने वाला क्या हो, इधर भी जीरो होना चाहिए बट यहाँ तो एक ही है, वो आपका प्लस थ्री है, फिक्स है प्लस थ्री, ठीक। तो इधर वाला क्या है, इधर सीआर प्लस थ्री है, अब थ्री वाला तो हो सकता है बट ये नहीं पता कि प्लस माइनस कैसे लिखा जाए, तो उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि जीरो नहीं हो सकता है, सीआर यहाँ पे जीरो में डिफाइन नहीं हो सकता है, सीआर जो होगा वो आपका प्लस थ्री वाले केस में होगा, मतलब थ्री एन थ्री ये आपको दिखाई देगा, क्लियर। ठीक है बच्चों, है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना,
इसको बच्चों में यूं लिख सकता हूँ कोबाल्ट, देन आपका यहाँ पे प्रेजेंट है साइनाइड होल सिक्स ए माइनस बाई। यहाँ पे मुझे पता चला कि कोबाल्ट का थ्री आ रहा था, लिख लिया मैंने थ्री, भाई थ्री भी जीरो दोनों आ रहे थे मैं यहाँ पे, हाँ कोबाल्ट का तो ये कि थ्री आ रहा था, थ्री हम लिख लेंगे। पता चला मुझे थ्री, भाई कॉर्निशियन नंबर सिक्स है इसका, देखो कॉर्निशियन नंबर कितना दिख रहा है, सिक्स दिख रहा है, कोबाल्ट का तो थ्री आ रहा था, थ्री हम लिख लेंगे सीधा। ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया मैंने प्लस, इधर आओ सीएन का बेटा कितना होता है बताओ जरा, माइनस वन इंटू कितना सिक्स इज इक्वल टू क्या है, मैं यहाँ पे चार्ज माइनस बाई लिखू कि बाई लिखू बताओ जरा, माइनस बाई लिखू कि बाई लिखू। तो ये ध्यान देना है कि हम माइनस बाई नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों के दोनों मेटल कैसे थे भाई, मेटल के हम तो क्या कर रहे हैं, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर के वैल्यू के बेस पे पॉजिटिव आ रहा है, हर किसी मेटल का पॉजिटिव ही आता है, तो माइनस बाई नहीं हम सिर्फ बाई लेंगे, ये बात याद रखना ओनली बाई, बस इसको सॉल्व करो तो यहाँ से बाई की वैल्यू आ गई है माइनस थ्री, तो बाई मैंने यहाँ माना था तो इसको मैं माइनस थ्री मान सकता हूँ, बात समझ में आ रही है। अच्छा दूसरी तरफ आ जाओ, अगर ये माइनस थ्री आ जाएगा तो फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्रोमियम बच्चों क्या है, ये तो कैटाइन होगा और ये वाला क्या होगा एनायन होगा, हेट एंड ट्रायल से ही बताऊंगा अभी, बाद में देखना अभी कुछ क्वेश्चंस लूंगा मैं, पहले इसको समझते हैं स्टैंड को। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ले लेते हैं क्रोमियम का एक्स हो गया प्लस, अमोनिया इज जीरो, अमोनिया न्यूट्रल होता है जीरो इज इक्वल टू, अच्छा इस पे चार्ज कितना है बच्चों माइनस थ्री, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि पीछे वाला क्या है एनायन, तो फ्रंट वाला क्या होता है कैटायन, तो कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे नेगेटिव चार्ज, अगर ये माइनस थ्री तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा प्लस थ्री होगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, प्लस थ्री होगा ना, तो हम सीधा प्लस थ्री लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू सीधा आपको प्लस थ्री ही निकल के आ जाएगा, बताओ क्या पूरी बात समझ में आ रही है, पूरा वैलिड हो रहा है आंसर, सब कुछ करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो आंसर देखो पूरा समझ में आ गया, चार्ज निकालना था, चार्ज कैसे निकाला मैंने, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को थोड़ा सा ज्यादा नहीं, आपको 5-6 सीरीज में लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर, उनको देख लेना है और एक बार अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। ठीक है तो यहाँ पे हमारा हो गया है प्लस थ्री और माइनस थ्री चार्ज, लगाओ इसका नाम क्या होगा, आप बताओ इसका नाम क्या होगा, ये निकालना तो आ गया होगा आपको, कुछ और कंपाउंड लेंगे तो और आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल और लूंगा मैं, बताओ यस प्लीज नाम बताओ बच्चों क्या होना चाहिए। देखो ऐसे कंपाउंड में हम क्या करते हैं, हम बच्चों सीक्वेंस पता है इधर से ही फॉलो करेंगे, सबसे पहले क्या है क्रोमियम के साथ अमोनिया, तो हम लिगेंड से स्टार्ट करते हैं यस, तो दिस इज ए हेक्सा ए डबल एम है ना, डबल एम ए के हमने डबल एम आएगा हेक्सा अमाइन, ठीक है क्रोमियम, क्रोमियम और यहाँ पे रोमन के अंदर बच्चों थर्ड, ठीक है थर्ड बिकॉज क्रोमियम क्या है थ्री के साथ रिफाइंड किया सर है, तो थ्री आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये तो फर्स्ट का नेम हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं सेकंड, सेकंड में क्या है बच्चों कोबाल्ट है और आपका साइनाइड है, तो क्या लिखा जाएगा हेक्सा साइनाइडो, हमने कल पढ़ा था, और बच्चों कोबाल्टेट, ध्यान दो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्रोमिएट क्यों नहीं किया, नीचे कोबाल्ट को कोबाल्टेट क्यों कर दिया, तो पढ़ाया था ये बच्चों एनायन कैसा है कॉम्प्लेक्स, ध्यान दो ये कैसा एनायन है कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो कॉम्प्लेक्स एनायन के साथ बच्चों हम लोग क्या लगाते हैं ATE लगाते हैं सफिक्स विद द सेंट्रल मेटल आयन और एटम, मेरी बात समझ में आ रही है, कैटायन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चों कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा तो उस केस में सेंट्रल मेटल एटम का नाम जो है वही लिखा जाएगा, कोई कंफ्यूजन इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो एज इट इज अमाइन रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा साइनाइड, सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी है। हाँ किसी को कोई डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो उस पर चलते हैं, सभी बच्चों क्लियर हो गया, चलो बच्चों यस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, जरा कोशिश करना, प्लेटिनम और यहाँ पे है अमोनिया, नाउ इट इज 4NCl2, इधर ब्रैकेट में बच्चों PtCl4 है ना, आयोपेक नेम बहुत बार आया है, बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत है, बताओ जरा क्या इसका नाम होगा, हम कैसे निकालें, तो मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पे पहली वाला कैटाइन सेकंड वाला एनायन, तो मैं लिख सकता हूँ प्लेटिनम अमोनिया एंड फोर, इधर बच्चों प्रेजेंट क्या है Cl2, ठीक है होल चार्ज क्या कर लें बच्चों सपोज प्लस एक्स बिकॉज इट इज ए कैटाइन है ना, फ्रंट वाला कैटाइन और ये वाला आपका एनायन,
बस वही रूल को ध्यान रखो, समझ में आ रहा है सभी को? यस। सेकेंड देखो बच्चों एनायन है, तो यहाँ पे प्लेटिनम हो जाएगा ये सीएल फोर होल चार्ज माइनस एक्स, भाई प्लस एक्स माइनस एक्स लिख लो या माइनस बाई लिख लो, जैसा आपको ठीक लगता है। आपका लिखने का तरीका है वो तो आपके वेरिएबल टर्म है ना। हाँ, प्लस एक्स माइनस एक्स आप अभी लिख सकते हो सिंबॉलिक टर्म में। अच्छा अब जरा मुझे बताओ, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी के बेस पर आंसर निकालना, क्या करना चाहिए? यस। चलो देखो, यहाँ पे जो प्लेटिनम है उसके साथ पहले बात करते हैं। तो प्लेटिनम तो हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका जो अमोनिया है वो क्या दिख रहा है, फोर। यहाँ पे क्लोरीन क्या दिख रहा है बच्चों, टू। तो मैं टोटल मानूंगा तो कितना हो जाएगा, सिक्स। अरे सिक्स ही तो होगा बच्चों, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन तो हमारा ये था कि प्लेटिनम के साथ तो सिक्स डिफाइन ही नहीं किया गया था, प्लेटिनम के साथ तो सिक्स डिफाइन ही नहीं किया गया है। जो सिक्स था वो आयरन के साथ था, Fe+2, Fe+3 था, क्रोमियम था +3, कोबाल्ट था, क्रोमियम आपका 0 था, कोबाल्ट +3 था। इसके साथ तो +6 डिफाइन ही नहीं किया गया है, तो हम क्या करें, तो इसकी तरह पास जाए। अगर फर्स्ट वाले से आंसर नहीं बनेगा तो सेकेंड वाले से डेफिनेटली बने, दोनों कॉम्प्लेक्स बना के दे देगा, है ना? तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा वो। सिचुएशन जो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी का एक टर्म है, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आपके आयोपिक नेम को इससे अधिक नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल फिक्स है। अच्छा जरा यहाँ पे आ जाओ, तो प्लेटिनम के साथ यहाँ पे दे रखा है Cl4, तो बताओ यहाँ पे कितना। तो यहाँ से आंसर हम क्रॉस कर देंगे, जो टेबल बताइए उतनी ध्यान रखो, उससे आंसर बिल्कुल सब बनेंगे बिल्कुल। प्लेटिनम अगर फर्स्ट है तो सेकंड से आ जाओ, प्लेटिनम Cl4। तो प्लेटिनम के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है भाई, क्लोरीन कितने हैं, फोर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है तो मुझे बताओ प्लेटिनम, प्लेटिनम जल्दी से कितना चार्ज बच्चों डिफाइन किया जाएगा, प्लेटिनम पे +2 डिफाइन किया जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था प्लेटिनम पे +2, ये तो सर समझ में आ रहा है, प्लेटिनम +2 इज करेक्ट। अगर प्लेटिनम +2 डिफाइन हो गया है तो अब कहानी बनेगी इसकी, तो हमारा आंसर सेकंड से निकलने वाला है, फर्स्ट से आंसर नहीं निकलने वाला है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, हम कैसे उसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ तक? बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हम सेकंड को पकड़ते हैं और सेकंड से ही हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं। यस। देखो बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रेजेंट है अभी PtCl4, और इस पे चार्ज था बच्चों माइनस बाई, हमने ऐसे लिखा था। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो प्लेटिनम बच्चों क्या दिख जाएगा बताओ जरा। प्लेटिनम +2 में तो टू ले लेते हैं भाई, टू ऑक्सीडेशन नंबर वाला फोर डिफाइन कर रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर, तो +2 इनटू क्लोरीन का -1 होता है, तो -1 मुझे लेना पड़ेगा, -1 फोर है इज इक्वल टू। बेटा माइनस बाई नहीं लेना है, मैंने हमेशा बोला है, अभी बोला था पहले कंपाउंड में बाई लेना है सिर्फ, है ना, पॉजिटिव में लेना होगा। देखते हैं यहाँ से इसका आंसर क्या निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से -4, और ये हो जाएगा आपका +2, तो आंसर क्या बन गया बेटा, -2 निकल के आ गया। तो -2 का मतलब डेफिनेटली हमारा एनाइन था, मेरी बात समझ में आ रही है? तो -2 आपका यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, अगर ये -2 तो ये वाला क्या होगा, +2 हो जाएगा, बस सिंपल सा ही करना है, +2 हो गया। अब चलो इसका नाम बता दो जल्दी से, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर फर्स्ट वाले से अगर आपका जो टेबल मैच नहीं कर रहा है तो सेकंड वाले से डेफिनेटली मैच करेगा, बिल्कुल सिंपल है, आराम से बन जाएगा। बस टेबल को थोड़ा ध्यान होना चाहिए, थोड़ा मेमोराइज कर लेना उसको, बिकॉज आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। तो हमारा इसका नाम क्या बने कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड का नाम यहाँ से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो प्लेटिनम का भी, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, बिकॉज लिखना पड़ेगा ना अभी रोमन के अंदर, तो क्या आएगा इसका लिख लो, X+0 × 4 दे रखा है अमोनिया, +1 × 2 फॉर क्लोरीन इज इक्वल टू होल +2। जरा इसको सॉल्व करो, ये जीरो हो गया, ये -2 इधर +2 जाएगा, तो ये हो गया X = +2 इधर, और इसको लेके जाएंगे तो +2 इधर हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो आपको +4 मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपके प्लेटिनम का जो है वो 4 है, ठीक है, उसको उसी तरीके से लिखना है। तो देखते हैं, है ना, क्या नेम बनेगा। तो नेम आप चेक करना, स्मॉल से स्टार्ट होगा बच्चों, यहीं से स्टार्ट होगा, फोर्स आपके आपके अमोनी दे रखे हैं, अमाइन लिखा जाएगा, तो हो जाएगा ये टेट्रा अमाइन
इसी को लिख रहा हूं मैं, डाइक्लोराइडो एंड प्लेटिनम है तो क्या लिखा जाएगा, सिर्फ प्लेटिनम जो नाम है वही लिखा जाएगा, ठीक है। कोई भी ज्वाइन होता है इसलिए बार बार वो मिस्टेक कर हो रही है। प्लेटिनम और आपका रोमन के साथ फोर, फिर सेकंड वाले पे चलेंगे, सेकंड आपको ये दे रखा है तो इसका नाम लिख लेंगे, तो फिर आपका आएगा टेट्रा क्लोराइडो। अब यहाँ पे आपको जो प्लेटिनम दे रखा है वो प्लेटिनम नहीं रहेगा, वो आपका प्लेटिनेट करके हो जाएगा, ठीक है, PLATINATE, ठीक है। और क्लोरीन था उससे क्लोराइडो, तो वो दोनों जगह रहेगा, बस यहाँ पे प्लेटिनेट हो जाएगा, बाकी रोमन के अंदर आपका सिक हो गया इसका नाम। समझ में आ गया सभी को? ओके, यस। इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको 18 ट्रायल की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा बेटर भी आपको और चीज समझ में आएंगी। चलो, तो यहाँ पे मान के चलो एक कंपाउंड लिया है मैंने, मैंने बच्चों को जिस तरीके से एग्जाम्पल लिया है, मैंने लिया है प्लेटिनम और यहाँ पे लिया है अमोनिया। नाउ इट इज ट्वाइस, एक सेकेंड, ये तो हो चुका है, इसको रहने देते हैं, अच्छा इसको 18 ट्रायल से करके देखते हैं, चलो इसी क्वेश्चन को, ठीक है, मैं बताता हूँ, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं शायद आपको यहाँ पे चीजें बन जाए। तो चलो लेते हैं यहाँ पे प्लेटिनम और यहाँ से है आपका अमोनिया फोर, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे है PtCl सिक्स, नहीं PtCl फोर, फोर, ठीक है, PtCl फोर। एक एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, ठीक है, इसका नेम किस तरीके से लिखा जाएगा देखते हैं। देखो ये एग्जाम्पल आपको दिया है तो हम क्या करें, पहला वाला पार्ट है, हमें कंसीडर तो करना पड़ेगा कि सर जो पहला वाला फर्स्ट पार्ट है वो कैटायन और सेकंड पार्ट है एनायन, ठीक है, ये हमने कर लिया कंसीडर, इसमें किसी कोई दिक्कत, फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेकंड वाला आपका नेगेटिव। अब प्लेटिनम पे आ जाओ, तो प्लेटिनम बच्चों दो अपनी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर के लिए पॉपुलर है, और कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर के लिए पॉपुलर प्लेटिनम होता है, एक तो बच्चों प्लस टू के लिए पॉपुलर होता है और प्लेटिनम प्लस फोर के लिए, ये दो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए प्लेटिनम बहुत पॉपुलर है, बिल्कुल सही आप निकाल सकते हो। और यही दो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, सर ये यहाँ पे पॉपुलर है, हम डिफाइन कर सकते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो और आपको यहाँ से देखेगा कि जो प्लेटिनम प्लस टू या प्लस फोर दोनों अपने ऑक्सीजन नंबर में स्टेबल है, प्लस टू के अंदर भी प्लस फोर के अंदर भी, ठीक, समझ में आ रहा है? हाँ तो क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, मैं एक पहला केस ले रहा हूँ, फर्स्ट केस ले रहा हूँ, अगर मैं कंसीडर करूं बच्चों कि वन नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर करूं कंसीडर, मैं प्लस वन माइनस वन से स्टार्ट करता हूँ, प्लस टू माइनस टू, माइनस थ्री प्लस थ्री, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे टेबल याद नहीं है सपोज, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इस टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कौन सा है। तो मैंने मान लिया था कि ये प्लस एक्स था और ये सेकेंड वाला मैंने ले लिया था प्लेटिनम Cl4, हालांकि ये लंबा होता है प्रोसेस, लेकिन आपको मैं बता जरूर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि बताया नहीं हिट इन ट्रायल, हिट इन ट्रायल लंबा होता है, कभी कभी सही हो जाता है, कभी गलत भी हो जाती है चीजें, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है स्टेबल तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन पर पता होना चाहिए, नहीं तो वो टेबल याद रखो, सीधा आंसर निकल के विद इन सेकंड आ जाएगा। चलो तो स्टार्ट करें हम लोग। चलो बच्चों, सबसे फर्स्ट केस में लिया मैंने यहाँ पे कि चलो बच्चों यहाँ पे मैं केसेस केसेस की बात करता हूँ, ध्यान दो, फर्स्ट केस में क्या करो, आप इसको प्लस वन कंसीडर कर लो, इस पे चार्ज कर लो माइनस वन, सेकेंड केस में कर लेना प्लस टू, इधर कर लेना बच्चों यहाँ पे माइनस टू, भाई बोने एनायन है, फिर तीसरे केस में कर लेना बच्चों प्लस, इस केस में कर लेना आप माइनस माइनस थ्री, फिर कर लेना बेटा कंसिडर आपको प्लस फोर, फिर करना है कंसिडर यहाँ पे माइनस फोर। आप सोचो ये चार पॉसिबिलिटीज आ गई, आपको पता है कि पीटी प्लस टू पीटी प्लस फोर आपके स्टेबल है, तो चारों पॉसिबिलिटीज कर करके देखनी पड़ेगी, मेरी बात समझ में आ रही है, चार पॉसिबिलिटीज होगी, अब करके देखते हैं, चलो चारों पॉसिबिलिटीज में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लगने आपको समझ में आएगा। पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लेटिनम, नाउ इट इज NS3 और यहाँ पे आपका फोर, मैंने प्लस वन लिया है इसका, इधर लूंगा N9, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, माना सपोज, तो कितना आएगा प्लेटिनम का एक्स प्लस अमोनिया जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू फोर जीरो इक्वल टू प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे प्लस वन आ गई, ठीक बिल्कुल सही। इधर आते हैं माइनस वन लिया मैंने, वही आपका एनआईएन है, तो एनआईएन हमारा बेटा हमारे पास क्या था प्लेटिनम था और ये CL4 था, इस पे माइनस वन चार्ज, जरा सॉल्व करो, तो यहाँ से प्लेटिनम के लेते हैं एक्स प्लस
प्लस फोर इंटू माइनस वन इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे क्या लू मैं, माइनस वन ले लू। अब सुना ध्यान से, नहीं बात है तो फिर उस केस में आपको माइनस वन बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस थ्री आ गई। अरे कितनी आई बच्चों, इधर प्लस थ्री इधर प्लस वन, क्या आपको लग रहा है ये करेक्ट होगा, क्या आपको लग रहा है करेक्ट होगा? अरे भाई प्लेटिनम मुझे बताओ, तो हम क्या बोल सकते कि भाई प्लेटिनम तो प्लस थ्री में दिखा और यहाँ प्लेटिनम सर मुझे प्लस थ्री में दिखा, तो प्लस वन और प्लस थ्री वाले क्या स्टेबल होते हैं? इट इज क्लियर और करेक्ट? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत ये भी गलत। तो प्लस वन नहीं हो सकता है, माइनस वन नहीं हो सकता है, हो गया खत्म। सेकंड बात करते हैं, सेकंड 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 पे देखते हैं। अगर मैंने इसको मिलिया प्लेटिनम, अब देखो इसको कैसे करते हैं, अमोनिया फोर ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने प्लस टू, और इसी सेकंड के साथ जो आपका है प्लेटिनम सी एल फोर, और इस पे चार्ज लिया मैंने माइनस टू। जरा सॉल्व करो, देखो जरा कितना आ रहा है, इसको जरा सॉल्व करो, निकालो प्लेटिनम कितना आएगा बच्चों जल्दी से, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस टू आ जाएगा। आपने निकाला होगा भाई, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा। अच्छा इसका निकालो, यहाँ पे प्लेटिनम कितना आएगा जल्दी से बताओ, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस फोर उधर माइनस टू उधर प्लस फोर माइनस टू करेंगे टू आ जाएगा। तो आप बताओ जरा क्या ये पॉसिबल है प्लेटिनम का, जल्दी बताओ। तो ऑक्सीडेशन नंबर दोनों केस में प्लेटिनम का क्या रहा है, प्लस टू आ रहा है, और प्लस टू तो बच्चों स्टेबल होता ही है। अब होता है तो मतलब ये भी सही है ये भी सही है, पूरी बात समझ में आ रही है, क्लियर? सेकंड सेकंड समझ में आ गया। अभी थर्ड की बात करते हैं, थर्ड वाले का जरा लेता हूँ, पॉसिबिलिटी है प्लस फोर तक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्लेटिनम और अमोनिया, ये आपका यहाँ से फोर, और होल चार्ज ले लिया मैंने माइनस सॉरी प्लस थ्री, और इस केस में ले लिया मैंने प्लेटिनम और आपका सी एल फोर, होल चार्जेस माइनस थ्री। जल्दी बताओ हाँ क्या होगा इसका, यस कितना आएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री डायरेक्ट, वो तो जीरो हो जाएगा अंदर वाला। ऐसा इसका बताओ कितना होगा, ये वाला प्लस वन हो जाएगा ना, प्लस फोर माइनस थ्री तो कितना आ जाएगा वन। अब बताओ ये भी सही है क्या, ये तो गलत है पूरा। प्लेटिनम में ध्यान दो, प्लेटिनम आपका कैटाइन में दिख रहा है, कैटाइन वाले फेज में क्या डिफाइन कर रहा है, प्लस थ्री, और दूसरे वाले सेक्शन में क्या कर रहा है, प्लस वन कर रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या स्टेबल होगा, बिल्कुल नहीं, गलत आंसर ये भी हो गया। इसी तरीके से आप प्लस फोर को ले लो, और प्लस फोर वाले से भी जरा सॉल्व करके देखो भाई, चारों केस से आपने लिए हैं तो लेके ले लेते हैं पूरे प्लेटिनम। नेक्स्ट यहाँ पे आपका अमोनिया फोर ठीक है, ये होता है हिट एंड ट्रायल, इस तरीके से करते हैं, लंबा थोड़ा होता है लेकिन आपको लेके जाएगा पूरा, करना करके देखना ही पड़ेगा। सी एल फोर यहाँ पे माइनस फोर, जरा निकालो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आएगा, एक नया तरीका बता रहा हूँ आपको ठीक है। एक्स इक्वल टू ये प्लस फोर, यहाँ से क्या होगा एक्स इक्वल टू जीरो, आप चेक करके देख लो, वो जीरो हो जाएगा, प्लस फोर इधर माइनस फोर जीरो हो जाएगा ठीक है। अभी बताओ तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका यहाँ पे कैटाइन का कितना आ रहा है, प्लस फोर आ रहा है भाई, प्लेटिनम जो कैटाइन यहाँ पे फेज में दिख रहा है ये भाई कैटाइन वाला है तो प्लस फोर आ रहा है। अच्छा एन के साथ बच्चों कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है भाई, ये भी सही है क्या, बताओ मुझे क्या ये सही है ये गलत है पूरी तरीके से। क्यों गलत है भाई, यहाँ पे जीरो पॉसिबल है क्या मुझे बताओ, ये जीरो डिफाइन होगा यहाँ पे, बताओ जरा मुझे। तो हम लोगों ने जो बात करी फर्स्ट केस, थर्ड केस और फोर्थ केस, इन चारों केसेस की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है, ये चारों केस। तो प्लेटिनम वहां पे अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर के लिए नहीं डिफाइन हुआ, अरे यहाँ डिफाइन नहीं हुआ, यहाँ तो हो गया ना प्लस फोर ठीक है, मैंने ओवरऑल कैंसिल कर दिया, यहाँ तो फोर डिफाइन हुआ स्टेबल, बट ये तो अनस्टेबल हो गया ना, तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या होगा, जो पहला वाला केस था, थर्ड वाला केस था, फोर्थ वाला केस था, है ना, सेकंड वालों को छोड़ के हर जगह आपकी प्लेटिनम अनस्टेबल स्टेबल नहीं दिख रही है, अनस्टेबल फेज के अंदर दिख रही है। तो वो सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, गलत होंगे, पूरी बात समझ में आ गया। बट सेकंड के अंदर क्या दिखा था, प्लस टू दिखा था कैटाइन का, एनएन का भी आपको दिख रहा था टू वाले केस में, तो हम बोल सकते हैं प्लेटिनम वहां पे पूरी तरीके से क्या होगी, स्टेबल होगी। तो दैट्स व्हाई हमारा सही आंसर प्लस टू से डिफाइन होगा। अभी पूरी बात समझ में आई क्या, बताओ जरा, चलो यस मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए ठीक है, उसको आप ट्राई करना। क्वेश्चन है बच्चों आपका प्लेटिनम, यहाँ पे आपका है अमोनिया एन ट्वाइस सी एल टू एंड आपका प्लेटिनम सी एल फोर ठीक है, एक ये क्वेश्चन दिया है, अभी दिया था इसी को हिट एंड ट्रायल करना, इसको हिट एंड ट्रायल करना। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल करके देखना, आपको पता है कि प्लेटिनम हमारा प्लस फोर तक ही जाता है, करके देख लेना आंसर बनेगा बिल्कुल आपसे ठीक है। यस क्रोमियम, यस नेक्स्ट इज अमोनिया सिक्स, यहाँ पे कोबाल्ट है, फ्लोरीन आपका सिक्स है, इसके साथ भी ट्राई करना। और थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि बच्चों जो क्रोमियम है ना उसका स्टेबल स्टेट एक ही होती है, वो आपको मैं बता चुका हूँ प्लस टू, और कोबाल्ट के साथ बात करेंगे तो
तो कोबाल्ट की वजह जनरली प्लस थ्री इज अ मोर स्टेबल स्टेट, इसकी प्लस टू इसकी प्लस थ्री ये दोनों हैं। बात समझ में आ रही है? इन दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन स्टेट किसी की भी आती है तो ये सेटिस्फाइड करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूरी बात समझ में आ रही है? टू एंड थ्री इज क्लियर? या आपको इसको लेके आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से केस बनाने पड़ेंगे? तो पहला केस क्या होगा बताओ जरा, प्लस वन वाला केस होगा, फिर प्लस टू वाला केस होगा, फिर प्लस थ्री वाला केस होगा, प्लस प्लस फोर वाला केस होगा, ये सारे केस आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। प्लस फाइव वाला केस होगा, प्लस सिक्स वाला होगा, बिकॉज क्रोमियम तो प्लस सिक्स में भी कभी कभी डिफाइन किया जाता है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, वो सारे केस लेके आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ गया? यस। कुछ और कंपाउंड देता हूँ, फिर उनके नाम लिखना जरा, कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। यस, यहाँ पे है कोबाल्ट, यहाँ पे आपका ई एन ट्वाइस। मैं ज्यादा फोकस क्यों करा रहा हूँ आपको आईओपेक, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर, यहाँ पे सैनेट, और फिर बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन तो इजी था, मैंने गलत कर दिया। तो क्या करें, गलत कर दिया, आपने सही से पढ़ा नहीं है इसलिए गलत कर दिया, इसलिए मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, है ना। पी बाई यहाँ पे आपका पी टी सी एल फोर, और सारे केस अलग अलग करके पढ़ाए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको ट्राई जरूर करना। अमोनिया सिक्स यहाँ पे है सी आर, नाउ दिस इज अमोनिया एन एच थ्री, और यहाँ पे है सी एल सी एल फोर, एंड आपका सी एल फोर के बाद करूंगा मैं यहाँ पे इसका थ्राइस, बाहर थ्राइस लगाया है, समझो बाहर मैंने थ्री लगा दिया, ठीक है। चलो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करना डेफिनेटली। अब हम बात करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, यहाँ तक अब बच्चों लेते हैं हम लोग ब्रिज लीजेंड। नेक्स्ट है आपका बी आर आई डी जी, ब्रिज लीजेंड्स बच्चों क्या होते हैं? ब्रिज का मतलब बच्चों पुल है ना, दो अलग जगह को जोड़ता हो उसको बोलते हैं ब्रिज, तो ब्रिज लीगेंड वही है। तो क्या होते हैं पहले इसको मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। दोज लीगेंड्स व्हिच आर अटैच्ड, व्हिच आर अटैच्ड टू टू सेपरेट मेटल एटम और आयन, मेकिंग ए ब्रिज बिटवीन देम, ठीक है। सच लीगेंड्स आर कॉल्ड ब्रिजिंग लीगेंड, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग ब्रिजिंग लीगेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर। अच्छा दूसरा, और ये जो आपके ब्रिजिंग लीगेंड्स होंगे, ये ब्रिजिंग लीगेंड बच्चों अटैच होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं बच्चों पॉली न्यूक्लियर सेंट्रल मेटल एटम के साथ, जिससे हम इन ब्रिजिंग लीगेंड वाले जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको हम इसलिए बच्चों बोलते हैं हाइड्रो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, HETERO हाइड्रो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, या बच्चों बोलते हैं पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, बिकॉज वही लीगेंड दो अलग अलग आपके न्यूक्लियस से अटैच होंगे। न्यूक्लियस मतलब बेटा सेंट्रल मेटल एटम का डी ब्लॉक, ठीक है, उससे अटैच होंगे। इसलिए ब्रिजिंग लीगेंड जो होते हैं वो बच्चों फॉर्म करते हैं पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या हाइड्रो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या पूरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अरे ब्रिज का मतलब पोल होता है ना, इधर उधर जोड़ दे। तो दोज लिगेंड्स व्हिच आर अटैच्ड टू सेपरेट मेटल एटम और आयन, मेकिंग ए ब्रिज बिटवीन देम, उनको बोलते हैं हम लोग ब्रिजिंग लिगेंड। पूरा समझ में आ गया? नाउ कम्स एग्जांपल, कुछ एग्जांपल में पॉपुलर, जैसे बच्चों नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन N2 होता है ना, ये ब्रिजिंग लिगेंड में बहुत जगह देखने को मिलता है। जैसे आपका फर्स्ट ये हो गया सल्फेट हो गया SO4-2, ये भी ब्रिजिंग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। एग्जाम्पल बताएंगे समझ में आएगा। OH- इसी तरीके से बच्चों आपका NH2-, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो आपका क्लोरीन, और क्लोरीन आपका नेगेटिव ले सकते हैं, बिल्कुल। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं आपके ब्रिजिंग लिगेंड्स के। बात समझ में आ रही है बच्चों? ब्रिजिंग लिगेंड्स के हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं और भी आएंगे, वो उस पर हम बात करते चलेंगे धीरे धीरे। एग्जाम्पल लेते हैं, यस। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे हम लोग पॉली न्यूक्लियर या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रो न्यूक्लियर, HETERO हाइड्रो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनकी तरह बात करते हैं और इनके नॉमन क्लेचर को लेंगे। तो देखो
हम पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो पॉलीक्लो क्या है? कॉम्प्लेक्स इन विच मोर देन वन मेटल एटम और आयन इज प्रेजेंट, एक से अधिक मेटल एटम या आयन प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियर या हाइड्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे एन ट्वाइस क्रोमियम, इधर अटैच है आपका OH और इधर ऑक्सीजन से अटैच है आपका क्रोमियम और यहाँ पे है आपका एन ट्वाइस, नीचे भी अटैच किया है मैंने OH कुछ इस तरीके से। ध्यान दो ये कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखो तो यहाँ पे क्या है, ये OH और ये OH, इधर एक क्रोमियम है यहाँ पे एक क्रोमियम है। ठीक है, तो वही जो OH इस ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर्स होंगे वो इधर भी शेयर्ड हो रहे हैं, इसके साथ भी मूवमेंट हो रहा है, इसके इधर भी शेयर्ड हो रहे हैं, इधर भी शेयर्ड हो रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो OH है इन दोनों को बच्चों हम बोल सकते हैं ब्रिजिंग लिगेंड, यही आपके ब्रिजिंग लिगेंड। क्लियर हो गया? इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? इसका नाम नाम इंपॉर्टेंट है, नाम लेते हैं बच्चों समझते हैं। ध्यान दो एग्जाम्पल लेते हैं EN twice, वो एग्जाम्पल लेते हैं। चलो यहाँ कोबाल्ट ले लिया है, चलो उसका चलो पहले वो कंपाउंड समझ में, इसमें ब्रिजिंग लिगेंड इज क्लियर, ब्रिजिंग लिगेंड समझ में आ गया। यस, कोबाल्ट लिया मैंने यहाँ पे ले लिया है NH2, यहाँ पे OH ले लिया है और इधर कोबाल्ट लिया है, यहाँ पे EN twice लिया है और अभी जो OH वाला दिया था उसका भी आंसर आप कर पाओगे। और बाहर लिया मैंने SO4 और ये SO4 है आपके ट्वाइस। ठीक है, SO4 ट्वाइस, ये कंपाउंड आपको दे रखा है, ये EN twice है, कोबाल्ट है, ऊपर NH2 है, यहाँ पे OH है। इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा? यहाँ पे 2 है, बताओ जरा बच्चों किस तरीके से निकाला जाए। यस, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे और किस तरीके से करेंगे? तो रूल सुनना बच्चों, यहां से लेके यहां तक एक नाम यहां से करना, यहां से लेके यहां तक इसको एक साथ लेना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहां से लेके ये वाला सेक्शन अलग, ये वाला सेक्शन अलग और बीच वाला सेक्शन अलग, बीच वाले सेक्शन का नाम अलग तरीके से किया जाएगा। ठीक है, इस वाले सेक्शन का नाम, ये तीन सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। अभी पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर। जरा ऑक्सीडेशन नंबर भी तो निकाल के देखें, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कोबाल्ट कितना है देखते हैं। तो कैसे किया जाए बच्चों? EN तो आपका न्यूट्रल होता है, कोबाल्ट का आपका यहाँ पे X हो गया है, प्लस EN आपका हो गया है, देखो दो EN है, एक EN यहाँ पे है, एक EN यहाँ पे है, दोनों कोबाल्ट दे रखे हैं, तो मैंने दोनों कोबाल्ट को ना X मान लिया। X मतलब 2x मान लेते हैं, दो कोबाल्ट हो गया ना, एक कोबाल्ट ये हो गया, एक कोबाल्ट ये हो गया, तो 2x हो गया। EN होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल का दो EN यहाँ पे है, दो EN यहाँ पे है, तो 2 और 2 मतलब 4 हो गए, तो 4 × 0 कर लिख सकते हैं हम लोग। यस, फिर क्या होगा समझो, फिर यहाँ पे आपका NH2 और नीचे आप इधर आपका OH है, तो वो तो दोनों माइनस वन दोनों के हो गए। ठीक है, प्लस अब इधर इधर क्या बचा है, ये पूरा हो गया कोबाल्ट, EN भी हो गया ट्वाइस, इधर आपका सल्फेट है। अगर अलग अलग होंगे तो अलग तरीके से लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे एक जैसा है तो वैसे ही करने वाले हैं। अभी क्या होगा, तो एक क्वेश्चन बनती है, एक क्वेश्चन बना के सॉल्व करते हैं अलग तरीके से, बताऊंगा। यहाँ सल्फेट है तो सल्फेट कितना होगा आपका -2, बिकॉज नीट में इतना हाई लेवल तक डिफरेंट लेवल तक लेके नहीं जाते हैं, आपको बेसिक भी पता है तो भी आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो इजीली सॉल्व। तो यहाँ से जरा निकालो इसका आंसर क्या हो, ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ये -2 हो गया, ये आपका यहाँ से -4 हो गया, ये -2 हो गया, ये आपका यहाँ से 2x हो गया। ठीक है, इसको इधर लेके जाओ तो 6 × 6 / 2 आंसर विल बी 3 हो गया बच्चों। 3 समझ में आ गया? अब चलो अब चलते हैं नाम की तरफ, देखते हैं। कितना पॉइंट समझ में आया, कैसे हम लोगों ने लिखा है इसको? यस, देखो तो अब यहां से बच्चों हम क्या इधर से स्टार्ट करें। यस, तो सबसे पहले हम क्या करें, आपको पता है BEN इथाइलिन डायमाइन, यस इट इज ए बिस, रंत, बात समझ में आ रही है बेटा? बिस, EN के लिए, EN के लिए मैंने क्या यूज किया है, बिस यूज किया है, बिल्कुल। और क्या करें बच्चों बताओ, बिस के बाद EN को पूरा एक्सप्लेन कर दें यहाँ पे। यस, इथेन 1, ENe, ethane -1, फिर 1, 2 हो जाएगा, देन हाइफन होगा, देन आपका डाई AMINE, ठीक है, AMINE, amine पूरा रहेगा, AMM नहीं आएगा, amine सिर्फ आएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या लिखा जाएगा, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट। अभी बताओ क्या ये पूरा नाम हो गया, क्या यहाँ पे पूरा नाम हुआ? अभी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर भी तो लिखना है बच्चों, 3rd, अभी पूरा नाम नहीं हुआ, अभी सल्फेट बचा हुआ है, तो कैसे लिखा जाए? ये तो सिर्फ फर्स्ट का नाम हुआ, फर्स्ट मतलब इसका नाम हुआ, इस फर्स्ट पार्ट का।
फर्स्ट पार्ट का नाम हुआ, बाकी बचा हुआ है, बाकी कैसे लिखा जाए तो सुनना ध्यान से। ये फर्स्ट पार्ट का नाम समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालिए वो भी समझ में आ गया, ब्रिजिंग लिगेंड आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे म्यू यूज करते हैं, म्यू म्यू मतलब ये वाला टर्म, ये सिंबॉलिक टर्म होता है, इसको यूज करते हैं। देखना कैसे, कोबाल्ट थर्ड तक क्लियर हो गया, देन हाइफन आएगा, हाइफन के बाद बच्चों हम फॉलो करेंगे म्यू। म्यू मतलब क्या, अभी देखो इस फर्स्ट का नाम हो गया, अभी सेकंड सेक्शन आएगा, तो सेकंड सेक्शन में कैसे फॉलो, अल्फाबेटिकल, ऊपर क्या है एमाइडो, नीचे क्या है बेटा हाइड्रोक्सी वाला सेक्शन, इसको हाइड्रोक्सो लिखा जाएगा, ऊपर एमाइडो लिखा जाएगा। लेकिन जो ब्रिजिंग लिगेंड है उनको जब लिखा जाएगा तो बच्चों विद दी हेल्प ऑफ म्यू लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रीफिक्स में म्यू लगाना पड़ेगा। क्या पूरी बात समझ में आ रही है, म्यू हो गया, हाइफन हो गया, देन आपका एमाइडो अल्फाबेटिकली, फिर बच्चों हाइफन आ जाएगा, फिर म्यू लिखा जाएगा, फिर आपका यहाँ पे होगा हाइड्रोक्सो। पूरी बात समझ में आ गई, हाइड्रोक्सो, ये भी सेकंड पार्ट क्लियर। अब चलते हैं थर्ड की तरफ, तो थर्ड बच्चों क्या कहता है उसको नीचे देखो, थर्ड को मैं नीचे लिखता हूँ, हाइफन बिस इथेन हाइफन वन कॉमा टू, देन आपका यहाँ पे हाइफन, देन उसके बाद आएगा डाई और ए एम आई एन ई, बंद हो जाएगा ब्रैकेट और बच्चों लिखा जाएगा कोबाल्ट और उसका थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर। और भी कुछ बचा है, हाँ सर बचा है सल्फेट बचा, लेकिन लास्ट में सल्फेट लास्ट में, इसके बाद कोबाल्ट के बाद में निकलना ऊपर लाके इधर सल्फेट, सल्फेट हो गया। अब सोच रहे हैं बहुत से बच्चे, सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग कितने अच्छे से लिख पाओगे, ध्यान दो सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं चाहता तो स्पीड में निकल जाता और आपको पता भी नहीं चलता कि ये कैसे चीजें हो रही हैं। तो ध्यान दो, यहाँ से आपका अमोनिया फोर और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं बहुत ही स्लो स्लो आपको बता रहा हूँ हर एक चीज के बारे में। एनओ टू, यहाँ से कोबाल्ट, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो जब इम्पोर्टेंट है तो उसको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे चार्ज है प्लस थ्री, देखो इसका नाम मैं रिपीट करूँ फिर से, ये आपका अमोनिया है, ये फोर्थ रखा है, यहाँ पे कोबाल्ट है, ऊपर एनएच है, यहाँ पे एनओ टू है, यहाँ पे आपका फिर से मैंने सीओ दिया है, कोबाल्ट है बच्चों, इट इज ए कोबाल्ट, ठीक है, सीओ इज ए कोबाल्ट। बाकी आपका यहाँ अमोनिया दे रखा है, बच्चे कंफ्यूज, सीओ नहीं है, कार्बोनाइल नहीं है, कोबाल्ट है, ऊपर चार्ज है बच्चों प्लस थ्री, क्या इसका नाम होगा, हाँ लास्ट में आयन लिखा जाएगा, जल्दी से निकालो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, बताओ जल्दी से आंसर, मैं हेल्प करूँ आप लोगों की, चलो करता हूँ मैं, ठीक है। कोबाल्ट यहाँ पे कितने हैं बच्चों, दो कोबाल्ट है, जब दो कोबाल्ट है तो टू इंटू एक्स क्लोज सीधा प्लस। अब उसके बाद यहाँ पे अमोनिया कितने हैं, फोर, फोर इधर अमोनिया, अमोनिया इज न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब एट इंटू जीरो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे एनएच है नीचे एनओ टू है, तो क्या किया जाए बताओ जल्दी से, एनएच, एनएच का बच्चों कितना होगा और एनओ टू कितना होगा, तो एक का हाँ इसमें से आपका ये माइनस टू हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा आपका माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस थ्री। रॉक्स रिएक्शन के अंदर इन सबके हम चार्ज के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, यस, जो भी हमारे लिगेंड्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, आज टेबल भी भेज दूंगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया है चार्ज के बारे में, तो वो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है, वही मैं चार्ज लिख रहा हूँ सिंपल सा। तो यहाँ से क्या हो गया, टू एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, ये क्या मिला माइनस टू माइनस वन, ये तो माइनस थ्री हो जाएगा, अरे यहाँ से क्या होगा माइनस थ्री होगा, उधर जाएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा, थ्री थ्री सिक्स, सिक्स डिवाइड बाई टू, टू इधर से, तो एक्स की वैल्यू आ गई थ्री, तो सर थ्री आ गया मुझे, मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत आसान था। चलो इसके नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं, थ्री ऑक्सीडेशन नंबर अगर आ गया है तो बाकी का इसमें तो आसान है लिखना, इधर से स्टार्ट करने बेटा जल्दी से, बताओ क्या होगा, टेट्रा, टेट्रा अमाइन, ए डबल एम आई एन ई, अब आएगा समझ में आ रहा है, फिर क्या आएगा कोबाल्ट, और थर्ड ऑक्सीजन हाइफन, देन म्यू, म्यू के बाद आएगा इमाइडो, आई एम आई डी ओ, एन एच इज कॉल्ड इमाइडो, देन म्यू, देन आपका यहाँ पे आएगा नाइट्रो, देन हाइफन, उसके बाद क्या आएगा बच्चों टेट्रा, देन आपका आ जाएगा एमाइन, ए डबल एम एमाइन हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा यहाँ पे कोबाल्ट, और थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट में आ जाएगा आयन। चेक करो जरा, चेक करो सभी लोग, अब ध्यान से सॉल्व करना, क्या सॉल्व करना कि सर ये कैटाइन है, हमेशा बोला है कि कैटाइन एनएन को ध्यान देना पड़ेगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं एनएन के कॉन्सेप्ट को कैटाइन में लगा देते हैं, कैटाइन वाले कॉन्सेप्ट एनएन में लगा देते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल स्पीसीज वाले जो न्यूट्रल थे जहां पे कोई कैटाइन एनएन था ही नहीं, कुछ भी था, जो सिंपल मॉलिक्यूल था उसके रूल्स इधर लगा देते हैं, ये सब कुछ मिक्स करते हैं, फिर मिक्स करते हैं, फिर दिमाग घूमता है, वहां तो ऐसे बोल दिया अभी यहां कैसे बोल दिया, इसी बात को समझो ध्यान से।
कैटाइन के साथ कैसे लिखा जाएगा सफिक्स प्रीफिक्स, एनएन के साथ कैसे लिखा जाएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और वो आपका जो वहां पर एटी वगैरह आता है कैसे लिखा जाएगा, है ना, लिगेंड्स, और जब न्यूट्रल होगा स्पीसी तो वहां पे कैसे लिखा जाएगा। ये पूरी बात समझ में आ रही है, डिफरेंस क्लियर हो रहा है, ये डिफरेंस क्लियर हुआ बच्चों? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वाटर मॉलिक्यूल H2O, नाउ इट इज 4, प्लीज इसका आंसर कर देना तो मुझे अच्छा लगेगा। OH, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स 4, और इसको बंद किया है मैंने, और यहाँ पे लिखा है मैंने SO4 इसका ट्वाइस। चलो बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या हो। यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, चलो यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है NH3, नाउ 4 कोबाल्ट, यहाँ पे है NH2, यहाँ है बच्चों O2, और ये कोबाल्ट, यहाँ पे मैंने दिया है NH3, नाउ इट इज 4, और ब्रैकेट बंद, होल चार्जेस +3। सेकंड क्वेश्चन, हो गया आंसर, आंसर आप लिख के भेज सकते हो मुझे। चलो मैं इनके लिए होमवर्क कर देता हूँ, आप लोग उनके जरूर आंसर ट्राई करना, आई होप आप सभी बच्चे करोगे और मुझे शेयर करोगे, ठीक है, और ग्रुप पे शेयर करना सभी लोग। चलो यहाँ तक हो गया, तो अब यहाँ से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं ओवरऑल आयोपेक के नोमेनक्लेचर की। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम जब बात करते हैं कैटाइन, सुनो फॉर्मूला फॉर द कैटाइन रिटन फर्स्ट फॉलोड बाई एन, स्टेप हमारा यही होता है, पहले स्टेप रूल्स का क्या होगा भाई, कॉन्डिशन कंपाउंड ऑफ, फाइनली हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसका जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ऑफ कैटायन रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ में आ रही है, बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला ऑफ कैटायन रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन, क्लियर है, इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल भी बहुत सारे किए थे। स्टेप फर्स्ट, नाउ इट इज क्लियर। यस, स्टेप टू को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप टू, ये सब पढ़ा है हम लोगों ने, सिर्फ इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं फाइनली। स्टेप टू में बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बच्चों हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है, ठीक है। यस, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप थर्ड को लेके, तो स्टेप थर्ड बच्चों कहती है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, इन स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट यू राइट सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिखना पड़ेगा, आफ्टर दैट आपको लिगेंड, ठीक है, और लिगेंड को बच्चों हमेशा हम लिस्ट करते हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3, हर एक स्टेप को बताना चाह रहा हूं मैं, समझ लो ध्यान से। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 बच्चों ये बोलती है कि अगर लिगेंड बच्चों है पोली एटोमिक, अगर आपके लिगेंड है बच्चों पोली एटोमिक, तो उस केस में क्या करना है, पैरेंथेसिस लगाना है, क्या लगाना है बच्चों, पैरेंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला ब्रैकेट इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। तो पैरेंथेसिस लगा के सारे लिगेंड को अटैच करें, जैसे आपका CO दे रखा है कार्बन आयन, जैसे आपका अमोनिया दे रखा हो, इन सबको पैरेंथेसिस के साथ आपको लिख देना है। स्टेप नंबर 4 हो गई, सभी को समझ में आ गया, क्लियर। स्टेप 5 की बात करते हैं, तो स्टेप 5 के अंदर हम लोग बस फिनिश करते हैं, स्टेप 5 के अंदर बच्चों बात करते हैं, नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाई नोइंग दी चार्ज कैरीड बाई ईच आयन एंड चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो चार्ज के साथ यहाँ पे पूरी की पूरी बात आपकी करी जाएगी, और चार्ज के बीच हम निकालेंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज कैसे निकालते हैं, अगर मैं बात करूँ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा, अगर एक सिंपल से क्वेश्चन पूछूं चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मेटल का, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके मेटल का, प्लस आपका जो एल्जेब्रिक सम बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन ऑल लिगेंड,
एक ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको चार्ज बताना है, कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब क्या है, अगर निकालना भी कभी है तो कैसे, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपके सेंट्रल मेटल एटम की, पूरी बात समझ में आ रही है। प्लस बच्चों एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन ऑल द लिगेंड, जितने भी लिगेंड प्रेजेंट है उनके पास जो आपका चार्ज उनका एल्जेब्रिक सम करो, उसका एडिशन करो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, रिजल्टेंट आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, पूरे आपका जो कॉर्डिनेशन स्पेयर पे कॉर्डिनेशन जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे चार्ज होगा, यहाँ तक पूरा क्लियर, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट फिनिश होता है और नेक्स्ट बच्चों हम कल स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। आई होप एक फिनिश। नेक्स्ट बच्चों हम कल बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट पे बात करेंगे, ठीक है, आउटर स्पेयर के ऊपर बात करेंगे, इनर कॉर्डिनेशन कंपाउंड पे बात करेंगे, इसके बाद इसमें कुछ भी अदर आपके कॉन्सेप्ट आएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, वो सारी की सारी थ्योरीज कल डिस्कस की जाएगी। कल का भी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, टाइम से ज्वाइन होगा, ठीक है, थैंक यू।